हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप है। आज मैं बात करने वाला सेक्शन 127 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में। 127 दैट इज पनिशमेंट फॉर फेडरल टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। कंपनी सेक्शन 123 के अंदर डिविडेंड देती है, अगर पेमेंट नहीं हो पाया तो 124 के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। अगर वो अमाउंट 30 दिन के अंदर पे नहीं करती है और कंपनी का डिफॉल्ट आता है, कंपनी जानबूझ के ऐसा कुछ कांड करावा करती है भाई, तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगना चाहिए। तो कंपनी के ऊपर कांड करना किया तो मतलब फंसना चाहिए ना। तो इस चीज के लिए मैं यूज करने वाला हूँ MCA का वेबसाइट, दैट इज MCA का ईबुक, ebook.mca.gov.in आई थिंक दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है। सो ये वेबसाइट है, आप विजिट कर सकते हो। अदरवाइज बैरेट है तो चलेगा, किसी भी किचन का बुक है चलेगा, इंस्टीट्यूट का मैट है बेस्ट है, जो भी हो ये कंटेंट हर जगह मिलेगा। ओके, क्योंकि ये एक्ट है, कोई खुद का किसी का बनाया हुआ नहीं है, जो लिखा है वही यूज करना होगा। सो सेक्शन 127 के बारे में जब भी जाएंगे ना, तो इसमें हम लोग बात करते हैं पनिशमेंट। कब पनिशमेंट होगा? जब डिविडेंड नहीं देंगे। मतलब किसी इंसान के हक का पैसा माना गलत है, एग्री करते हो ना? अगर किसी के हक का पैसा माना गलत है तो उसको जेल होना चाहिए, राइट? इसको भी जेल होगा बेचारे का। तो इसको भी जेल होगा जो भी पनिशमेंट, जो भी डिफॉल्ट करेगा। सो 127 बहुत ही छोटा सेक्शन है, सिर्फ एक सेक्शन होता है, इसके बाद उसका प्रोविजन होता है। तो सब सेक्शन 1 के अंदर क्या बोला गया, वेयर अ डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड, डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है बाय द कंपनी बट हैज नॉट बीन पेड। डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर कर दिया गया है बट हैज नॉट बीन पेड, लेकिन पे नहीं हुआ है। कितने दिन के अंदर भैया? 30 दिन के अंदर, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। अगर 30 दिन के अंदर पे नहीं हुआ है, इन दैट केस फ्रॉम किस दिन से? फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, जिस दिन डिक्लेयर हुआ था उस दिन से 30 दिन के अंदर डिविडेंड अगर पे नहीं हुआ है तो दैट केस एवरी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, कौन कौन भाई? एवरी डायरेक्टर जो जानबूझ के इसका पार्ट बनाया है, जिसको पता था कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी किया है, जानबूझ के एवरी डायरेक्टर, हर वो डायरेक्टर जो इसका पार्ट है, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, नॉन इंडिपेंडेंट हो, या फिर एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव कोई भी है, अगर वो इसका पार्ट है तो पनिशेबल है। पनिशेबल डायरेक्टर को तो जेल दे सकते हैं, क्या कंपनी को जेल में भेजेंगे? उठा के घर का ईटा उठा दीवार वाल से उठा के घर में जेल में डाल देंगे? पॉसिबल नहीं है। सो कंपनी के ऊपर सिर्फ फाइन लगेगा, दैट इज 1000 पर डे, एंड इम्प्रेसमेंट होगा डायरेक्टर को, सॉरी डायरेक्टर को 1000 पर डे का फाइन लग सकता है, प्लस एंड वर्ड यूज किया गया है, ओके, एंड इम्प्रेसमेंट हो सकता है अप टू 2 years, 2 साल तक का इम्प्रेसमेंट हो सकता है जो जो इस कांड करावा में शामिल है, क्लियर? तो भाई कांड करावा की हो, डिविडेंड से रिलेटेड 127 में फंसे हो, मतलब तो इम्प्रेसमेंट भी होगा और फाइन भी होगा, समझ गया ना, बड़ा कांड है। ओके, तो इस डायरेक्टर को हो गया जेल। अब बात करते हैं प्रोवाइड कंपनी के ऊपर, डायरेक्टर तो जेल पा गया, कंपनी को क्या होगा? लाइबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 18%। कंपनी क्या करेगा? 18% उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा पर एनम के स्पीड से, रेट से, जब तक वो डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है, ओके, उतना अमाउंट उसको देना पड़ेगा, ये कंपनी के ऊपर है, क्लियर? तो भैया जब भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है डिविडेंड तो भैया 30 दिन के अंदर पे कर दो, और अगर नहीं पे करते हो तो भैया ये चीज होने वाला है, ओके। एंड एक चीज, कुछ कुछ एक्सेप्शन होता है लॉ में, हमेशा एक्सेप्शन होता है, कुछ भी कर रहे हो एक एक्सेप्शन मिल जाएगा जिससे आप बच सकते हो। तो यहाँ पे भी 4 एक्सेप्शन दिए गए, 5 एक्सेप्शन दिए गए जहाँ आप बच सकते हो। फर्स्ट एक्सेप्शन है, प्रोवाइडेड नो ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कमिटेड, डीम था जब में यहाँ पे डीम टू हैव बीन कमिटेड, ओके, डीम खा गए थे, डीम मान लिया जाए कि वो कमिट नहीं हुआ है, अगर ये चीज के रीजन, अगर ये ग्राउंड बोल दिया, देखो ऐसा ऐसा काम हो गया था तो बच जाओ, क्या क्या भाई? ऑपरेशन ऑफ लॉ, फर्स्ट एक्सेप्शन है, वेयर द डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ। क्यों नहीं पे किए भाई? तो सर ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ के अंदर कुछ रेगुलेशन आ गया था कि ये पे नहीं करना, अगर लॉ बोल देगा मत पे करो या कुछ बोल दिया तो हम नहीं पे किए, तो अलाउड है भैया, माफ है, कोई दिक्कत नहीं। बी क्या बोल रहा है? वेयर शेयर होल्डर हैज गिवन डायरेक्शन टू द कंपनी, शेयर होल्डर कंपनी को डायरेक्शन दे रहा है कि काम करो, मेरे को इस अकाउंट में नहीं इस अकाउंट में ट्रांसफर चाहिए, या फिर बोल रहा है कि अभी पर कोई भी डायरेक्शन दिया है अपने डिविडेंड से रिलेटेड डायरेक्शन तो दिया है बट खुद ही कंप्लाइंट नहीं किया उस डायरेक्शन को, फोन करके बोल दिया हमको बैंक अकाउंट दूसरा दे रहा है, बैंक अकाउंट का नंबर दे दिया, IFSC कोड दूसरा डिटेल दिया ही नहीं,
पे कैसे करेंगे? इन दैट केस भैया कंपनी का तो डिफॉल्ट है ही नहीं, तो शेयर होल्डर का गलती है, हम कैसे पे कर देते, इसलिए नहीं पे किया। सी में क्या बोला गया, वेयर देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द रिसीव टू राइट टू रिसीव द डिविडेंड। अब दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया है कि भाई किसको डिविडेंड देना चाहिए। ओके, एक शेयर है जिसके ऊपर डिस्प्यूट आ गया कि ये डिविडेंड लेगा कि मिस्टर एक्स लेगा या मिस्टर वाई। अब इन दैट केस तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो इस केस को कंपनी क्या किया, अपने पास ही डिविडेंड रख लिया कि ताकि किसी को नहीं देंगे भैया, जब फाइनल डिसीजन आएगा तब सोचा जाएगा। तो उस चीज में कोई भी जेल कुछ भी कोई कांड खराबा नहीं हुआ है। तीन नंबर, डिविडेंड लॉफुली एडजस्टेड बाय द कंपनी। अगर कंपनी लॉफुल एडजस्ट कर रहा है, लॉफुली एडजस्ट मतलब वेयर द डिविडेंड हैज बीन लॉफुली एडजस्टेड बाय द कंपनी अगेंस्ट एनी सम ड्यू टू इट फ्रॉम द शेयर होल्डर। कोई भी पैसा बाकी अगर शेयर होल्डर से, एंड उस पैसे को कंपनी एडजस्ट कर लिया अगेंस्ट दैट, जो भी डिविडेंड था ना उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लेता है, तो वो अलाउड हो जाएगा, वो इलीगल हो जाएगा। लॉफुली एडजस्टेड होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि घर में घुस के एकदम पैसा सब छीन के निकाल लें। ई नंबर, एनी अदर रीजन, यहाँ पे सब कवर हो जाएंगे, बट was not due to the any default on the part of company। वही दूसरे रीजन अलाउड है जिसमें कंपनी का डिफॉल्ट ना हो, कंपनी खुद के डिफॉल्ट की वजह से नहीं, किसी और के डिफॉल्ट की वजह से फंस गया बेचारा। अगर ऐसा कुछ मिलता है, इन्हें मैं क्या बोला, वेयर फॉर एनी अदर रीजन द फेलियर टू पे द डिविडेंड और टू पोस्ट द वारंट within a period of 30 days was not due to any default on the part of the company। ऐसा नहीं कर पाया, वो पे नहीं कर पाया, लेकिन इस नहीं पेमेंट के अंदर ना कंपनी का कोई डिफॉल्ट नहीं है। कंपनी बेचारा एकदम मासूम इनोसेंट है आज भी, तो जब कंपनी मासूम इनोसेंट है तो उसके लिए कोई भी पेनल्टी नहीं आएगा। ओके, निधि कंपनी के लिए एक सर्कुलर था 5 जून 2015 का आया हुआ है। ओके, इसमें क्या बोला गया था, निधि कंपनी के लिए कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह है, अगर वो लोग सिर्फ अपने न्यूज पेपर वगैरह में अनाउंस करते तो सबसे सेफ है। 3 महीने तक अपने नोटिस बोर्ड पर चिपका के रखना होगा डिविडेंड अगर 100 रुपए से नीचे तक आया तो, ठीक है, वो कोई खास काम का चीज नहीं है, बट फिर भी ट्रैक कर लिया। सो ये वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ पे, मेरा एक डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है एंड टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा उसके अंदर। अगर नहीं मिलता तो मेरे चैनल का अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा सारा कुछ, ठीक है, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा, वहाँ पे आप मेरे चैनल टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और फिर व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा मेरा नंबर भी दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, फिर भी वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, ये वाला पीडीएफ, ये वाला इमेज आपको वहाँ पे क्लिक करके मिल जाएगा। सो अगर ये वाला सेक्शन क्लियर हो गया तो फिर ठीक है, और आगे नेक्स्ट सेक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और कमेंट करके जरूर बता देना। इससे पहले 123 दैट इज डिविडेंड का भी वीडियो अपलोडेड है, 124 का भी वीडियो अपलोडेड है। इस वीडियो के बाद 123 डिविडेंड वाला और अनपेड डिविडेंड अकाउंट और ये वाला तीनों वीडियो को ज्वाइन करके एक अलग वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि वो पूरा चैप्टर एक साथ कवर हो जाए, ठीक है। सो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब कर देना, एकदम मैंडेटरी चीज़ है सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। ओके, बस।